हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो अभी आपको मेरे पीछे जो ये वाली लोकेशन दिखाई दे रही है, ये जनासू की लोकेशन है जो कि श्रीनगर पौड़ी में पड़ती है और जो कि बिल केदार से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आज हम आए हैं जनासू, जो कि एक जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेलवे लाइन का एक प्रमुख जंक्शन और रेलवे स्टेशन है। तो आज का ब्लॉग जो जनासू रेलवे स्टेशन है उसका होने वाला है। तो कर लेते हैं आज के वीडियो का शुभारंभ। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है देव प्रकाश अग्रवाल। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तस्वीरों में पहाड़। तो पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों के साथ शुरुआत करते हैं आज के नए ब्लॉग का। सामने से जो आपको खूबसूरत सा नज़ारा दिखाई दे रहा है, यह ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का एक महत्वपूर्ण जंक्शन और रेलवे स्टेशन है जो कि जनासू में बनाया गया है। तो अभी आप देख सकते हैं पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है और यहाँ पे पूरा जंक्शन के लिए पूरे जो ये टीन सेट टाइप के बने हुए हैं, पूरे बन रहे हैं, अभी पूरा काम जारी है। तो सामने से जो आपको रोड दिखाई दे रही है वह देवप्रयाग ऋषिकेश वाली रोड है जो कि जनासू और देवप्रयाग ऋषिकेश रोड को जोड़ने के लिए बीच में पुल बनाया गया है। और सामने से है भगवान का पूरा एरिया और बीच में जो आपको ये वाला गांव दिखाई दे रहा है, सामने से ये वाला गांव आपको दिखाई दे रहा है, यह जनासू का गांव है। सामने से आपको जितनी भी कॉलोनियाँ दिखाई दे रही हैं वो रेलवे के जितने भी स्टाफ या कर्मचारी यहाँ पे अभी काम करते हैं उनकी बनी हुई हैं। और ये अभी आप देख सकते हैं पूरी तेज़ी गति से रेलवे का काम जारी है, ये देख सकते हैं। और बीच में जो आपको नदी दिखाई दे रही है, यह अलकनंदा नदी है। और सामने से है पूरा भगवान का एरिया है। आज मेरे साथ आए हैं कुलदीप रौथाण जी, जो कि आपने मेरे कई ब्लॉगों में उनको देखा होगा। उनका भी अपना चैनल है, कुलदीप रौथाण नाम से यूट्यूब पे आप जा सकते हैं और सर्च कर सकते हैं और उनके चैनल पे जाके भी विजिट कर सकते हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं, जो यहाँ पे रेलवे स्टेशन है उसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो मिलते हैं सीधे कुलदीप रौथाण जी को। नमस्कार अग्रवाल जी और आपके सभी सब्सक्राइबर को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। मैं हूँ कुलदीप सिंह रौथाण और जैसा कि अग्रवाल जी ने मेरा परिचय दिया, एक हम भी छोटा सा चैनल चलाते हैं अपना कुलदीप सिंह रौथाण करके। इस समय हम लोग जैसा कि अग्रवाल जी ने परिचय दिया कि हम जिस स्थान पे हैं, ये जनासू स्थान है और रेलवे द्वारा यहाँ पे एक स्टेशन तैयार किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कार्य है वो लगातार चल रहा है, काफ़ी तीव्र गति से। ये जो रेल प्रोजेक्ट है ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल लाइन है उसके तहत जो कार्य चल रहा है, काफ़ी तेज़ी से कार्य चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले जो रेलवे ने ये जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग की जो रेल लाइन है इसमें मात्र 12 स्टेशन प्रस्तावित किए थे। और क्योंकि देवप्रयाग से और मलेथा तक की दूरी, जो क्योंकि देवप्रयाग के बाद मलेथा स्टेशन है तो वहाँ तक की दूरी लगभग 20 किलोमीटर हो रही थी और 20 किलोमीटर होने के साथ साथ बीच में कोई भी स्टेशन नहीं पड़ रहा था, तो रेलवे को लगा कि उनको बीच में एक स्टेशन देना चाहिए। तो उन्होंने ये स्टेशन जनासू स्टेशन एक नया स्टेशन बनाया और इसके साथ साथ ये जंक्शन भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ा सा एक वर्कशॉप टाइप की बनाई गई है जहाँ रेलवे की
जो उसके इंजन होते हैं, जो उसके डब्बे होते हैं, उनकी मरम्मत की जाएगी। और ये यहाँ पे स्टेशन, ये जनासू गांव है, आप देख सकते हैं ये जो वर्कशॉप बनी है उसके पीछे जो आप मकान देख सकते हैं वहाँ, ये जनासू गांव है और इन लोगों की ये पैतृक खेती थी। उसके बाद ये इस योजना की जद में आई और इन लोगों ने जिस हिसाब से उनको मुआवजा मिला था, कंपनसेशन मिला होगा, और उन्होंने रेलवे को दिया। उसके साथ आप सामने देख रहे हैं ये भगवान का क्षेत्र है, और भगवान का क्षेत्र से पुल पार करके ये भगवान का क्षेत्र, फिर उसके बाद जो अगला स्टेशन आएगा वो मलेथा स्टेशन आएगा। अग्रवाल जी के ब्लॉग में आपने मलेथा वीरभड़ माधव सिंह जो वीरभड़ हैं उनकी आपने गाथा सुनी, उनके जो पुल निर्माण, उनकी जो उन्होंने जो टनल बनाई है वो भी आप लोगों ने देखी है और काफ़ी सराही भी है आपने वो वीडियो। उसके बाद सीधे श्रीनगर स्टेशन आएगा, तो ये नया स्टेशन बनाया गया है और ये नया आप देख रहे हैं कि बहुत तीव्र गति से रेलवे जो कार्य कर रही है वो काफ़ी तीव्र गति से कार्य कर रही है, और जो उसका लक्ष्य है 2024 तक ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन को उसको पूरा करना, और लगभग जिस हिसाब से कार्य की गति है स्पष्ट है कि ये 2024 में कार्य पूरा होगा। धन्यवाद अग्रवाल। ब्लॉगों की जो सीरीज में है, तो हम लगातार आपको रेलवे स्टेशन का अपडेट देते आ रहे हैं, जिनमें से हमने ऋषिकेश से लेकर और जो सिवाई गांव जो रेलवे का अंतिम रेलवे स्टेशन बनेगा उनकी सभी जानकारी आपको देते रहे हैं। और जो रेलवे स्टेशनों में से जो ये एड स्टेशन है, जो नया स्टेशन जोड़ा गया है, तो ये 13वें नंबर का रेलवे स्टेशन और जंक्शन है, जहाँ पे रेलवे संबंधी जितने भी मरम्मत काम होते हैं वो रेलवे जंक्शन के अंतर्गत होते हैं। तो आज हम आए थे जनासू रेलवे स्टेशन में, तो हमने आपको रेलवे के अपडेट में जो सीरीज बनाई है उसके अपडेट हम आपको लगातार देते रहे हैं। अगर मैं आपको रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन संबंधी या रेलवे जो कर्णप्रयाग ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट लाइन है उसका अपडेट हम समय समय पे आपको देते रहते हैं, अगर मैं आपको अपडेट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो रेलवे का जो काम चल रहा है उसका अपडेट आप तक पहुँचता रहे।